बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बनाने सिखा रही हूँ लच्छा पकोड़े। लच्छा पकोड़े जो होते हैं आप बारिशों में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उम्दा, बेहतरीन और आसान तरीके से ये बनाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, जो चार मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इसे कटर कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको जो कटर करके और फिर एक जो है ना बाउल में रख देना है। पानी मैंने लिया है हसबी ज़रूरत, उसके अंदर जो है वो नमक मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। आप जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना नमक आप लोगों को जो है ना लगता हो। उसके बाद मैं आज इसमें जो है वो आलू जो मैंने कटर किए थे वो सारे के सारे आलू जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी। आपने भी इसी तरीके से जो है ना इसको पानी में डाल देना है। इसको पानी में डालने के बाद क्या करना है, सारा जितना भी आपके पास आलू जो आपने जो कटर किया है सारा डाल देना है और इसे 10 मिनट के लिए आप जो है ना वो इसी पानी में छोड़ दें। इस पानी के बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब जो कि 10 मिनट गुजर चुके हैं, 10 मिनट बाद जो है वो मैं बाउल से निकाल के एक कपड़ा मैंने बिछा लिया है कमरे के अंदर, उसके अंदर जो मतलब आप कोशिश करिएगा कि मतलब 10 मिनट के लिए इसे हमें जो है ना रखना है, लेकिन आप कोशिश करिएगा तौलिए वाला कपड़ा हो या सूती कपड़ा हो जिसमें अच्छे तरीके से पानी जज्ब हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो है वापस से बाउल में इसमें डाल दिया है लाल कुटी हुई मिर्च जो है 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, खुश्क मेथी जो है वो भी मैंने जो है 1 टेबल स्पून डाल दिए, ये धनिया जो है वो खुश धनिया है जो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है, और इसके अंदर जो है मैं नमक जो है वो हसबी ज़रूरत मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च मैंने जो ली है वो 1 मीडियम साइज़ की जो हरी मिर्च ली है, और कॉर्नफ्लोर जो है वो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, मैदा मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है, और इसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिला लेना है, एक जान कर लेना है, यानी कोई भी हिस्सा जो है इस तरीके से आपके आटा नुमा जो है ना ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऑयल जो है वो आप गर्म ही रखिएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब मीडियम पे नहीं रखिएगा वरना इसमें क्रिस्पीपन नहीं आएगा, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने रखना है। और इसके बाद जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने जो है ना इसे अच्छी तरीके से जो है फ्राई कर लेना है, लेकिन जब आप तेल को जब इसमें तेल में डाल रहे हो तो ये बिल्कुल हाई होना चाहिए, बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और ये देखिए आपके लच्छा पकोड़े जो है वो बिल्कुल रेडी होने के लिए तैयार है। मैं आप लोगों को जो है वो सारे तरीके बताऊंगी। ये देखिए अभी मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारे लच्छा पकोड़े हैं। तो इसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो पसंद आए तो, और कोई भी सवाल बनता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।